2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकती है। हाल ही में कांग्रेस ने राज्यों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी आलाकमान का प्रयास है कि ये लोग कार्यकर्ताओं में जान फूंक सके, जो खासकर राज्य चुनाव में खराब नतीजों से हताश नजर आते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत न्याय यात्रा से भी इसमें काफी हद तक मदद मिलेगी। पार्टी नेता राहुल गांधी खास तौर से उन क्षेत्रों में यात्रा करने वाले हैं जहां यह सबसे पुरानी पार्टी कमजोर दिखती है और कार्यकर्ता निराश मालूम पड़ते हैं। यहां इस बात का जिक्र भी करना जरूरी है कि इसमें भारत जोड़ो यात्रा ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ऐसा माना गया है कि इसके जरिए राहुल गांधी की छवि काफी मजबूत हुई है और पार्टी कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह पैदा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस के ऐसे सीनियर नेता जिनका जनाधार अच्छा है और हाई प्रोफाइल वाले नेता हैं, उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कह सकती है। युवाओं में से भी कई लोगों को यह मौका देने की तैयारी कर रही है। हालांकि सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव को लेकर बहुत से नेता उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और अशोक गहलोत के नाम प्रमुख, जो लोकसभा चुनाव के लिए फिलहाल सहमत नहीं दिखते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में कांग्रेस के सामने समस्या उम्मीदवारों को ढूंढने की भी है। बताया गया है कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान यूपी में 10 सीटों पर दावा किया था, मगर उसके लिए प्रयागराज, अमेठी और रायबरेली के अलावा बाकी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी को ढूंढना मुश्किल नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।